ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जितना भी बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप सभी को जो है मैं आजकल जो फेस के वीडियो नहीं बना के दे रहा हूँ गाइस उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि गाइस आपको मेरे घर में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो गाइस कुछ दिनों में फेस के वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो गाइस अभी मैं थोड़ा ऐसी वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन तक, तो आप लोग यार थोड़ा कोऑपरेट करना भाई। गाइस आप लोग अपना सपोर्ट यार पहले जैसे बनाए रखना बिल्कुल, ठीक है? आपके लिए मैं अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँगा, उसकी टेंशन मत लेना, कंटेंट बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो आप लोग यार बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है क्या गाइस, आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सभी को। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है? तो गाइस मॉडल को जो मैं ऐसे सिंपली ऐड कर लेता हूं, गाइस मॉडल का बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, जिसको बैकग्राउंड इसका नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक है, तो आप लोग इस वीडियो को जाकर देख लेना। तो बाकी गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस आपको करना, जब आप अपने मॉडल का ऐड कर लोगे तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने मॉडल को लेना है, एक बार टच करना है आपको, फिर उसके बाद आपको उसका एक डुप्लीकेट करना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली सेम साइज में रख देना अपने मॉडल को। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना इफेक्ट वाला ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे जाना है ब्लैक एंड व्हाइट में, आपको सिंपली इस पर टैप करना है, इसका अमाउंट जीरो कर देना है, फिर आपको कर देना मर्ज। एंड आपको लेना है नेगेटिव वाला ऑप्शन, आपको दोबारा मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद लेना आपको कलराइज, आपको जाना कलराइज में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी सिंपली एकदम सबसे एंड में ले जाना इसको ह्यू को। एंड उसके बाद आपको रेड कलर में करने के बाद इसको कर देना डन। एंड इसे ना कर देने के बाद आपको करना, आपको जाना रिजल्ट टूल में, आपको उसको करना इन्वर्ट। एंड ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको साइज को इंक्रीज करना है, एंड ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेना है। एंड उसके बाद अपनी फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद आपको अपने इसके ऊपर एक रिम लाइट क्रिएट करनी है, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे हम रिम लाइट पहले फटाफट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बता दूँ आपको आगे का प्रोसेस। सो गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, आपको जो है ये जो आपने जो जो रिम लाइट क्रिएट करी है, ठीक है? अगर आपको कम लगे तो आप इसका डुप्लीकेट जितना भी करना चाहो उतना कर लेना, आपको जितना ऑपोजिट चाहिए हो। फिर इतना कर देने के बाद आपको गाइस इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। इसका ब्लेंडिंग मोड जो है आपको रखना है पे ओवरले, ठीक है? आपको इसको ओवरले रखना है। तो अभी मैं गाइस आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा फटाफट करूँगा अभी वीडियो को, तो अभी आप लोग देख लो यहाँ पे, ठीक है? आपको ओवरले रख लेना आपको दोनों पॉइंट को। तो अब हम सिंपली अभी क्या करते हैं, तो इतना करने के बाद हमें दूसरे वाले को भी ओवरले कर लेते हैं। एंड उसके बाद इतना परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे देखिए हमारा एकदम रिम लाइट क्रिएट हो चुका है एकदम अच्छे तरीके से। तो अभी हम इसको फिलहाल कर लेते हैं डन, ठीक है? तो इसको डन कर लेते हैं। अब गाइस क्या करना है, आप सभी को जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है यहाँ से एक विगनेट का पीएनजी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है कुछ जिस टाइप से। एंड उसके बाद फुल स्क्रीन करने के बाद आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद इसको कर देना है डन, ठीक है? तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना, आपको जाने से टूल्स में, फिर आपको जाना से एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको गाइस आपको ब्राइटनेस है जो उसको जीरो कर देना है, जाने इरेजर टूल में आपको उसको सिंपली आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करना है। एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड फोटो को जूम करने के बाद गाइस आपको अपनी अपने पैरों को नीचे कुछ इस टाइप से ऐसा शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है? कुछ इस टाइप से, इस तरीके से, ठीक है? तो आपको शेडो क्रिएट करनी है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पर डन करते हैं। उसके बाद जो आप उसकी ओपोसिटी यहाँ पे अपने हिसाब से कम कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। एंड इसके बाद करते हैं डन। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस फोटो को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। एंड इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम में, क्योंकि गाइस बिना रिटच हुए तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है, तो इसको हम ले चलते हैं रिटच में। एंड उसके बाद आपको इसका हम लाइट वाला ऑप्शन में जाएंगे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है। एंड उसके बाद आपको हाईलाइट मिलेगा, आपको थोड़ा सा हाईलाइट है जिसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको हमें मिलेगा शेडो, आपको शेडो जो है इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करना है। एंड जो यहाँ पर व्हाइट है गाइस इसको भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है। फिर हमें ब्लैक है जो गाइस इसको आपको यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज करना है हल्का सा। एंड इसको जाना आपको कलर्स में, आपको यहाँ पे इसकी वाइब्रेशन बढ़ानी है। एंड थोड़ा सा टेम्परेचर है जो इसको थोड़ा कम करना है। फिर आपको जाना कलर मिक्स में, आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस करना है, एंड ल्यूमिनस थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है? अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन आपको जाना है येलो कलर में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस करना है। एंड उसके बाद आपको मिला ग्रीन कलर, आपको उसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है, मतलब यार जो कलर ना हो ना उसका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है। फिर गाइस यहाँ पे ब्लू कलर आता है, तो गाइस मेरे को यहाँ पे थोड़ा ब्लू कलर नहीं चाहिए, तो मैं इसका सैचुरेशन माइनस कर रहा हूँ। अगर आप कोई ब्लू कलर के कपड़े पहनते हो, अगर आपको चाहिए हो, तो आप उसको ह्यू जो है बढ़ा सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आपको जाना नीचे वाला टूल में, आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है। एंड फोटो में डाल देना थोड़ा सा विग्नेट, ठीक है? इतना जाने के बाद आपको फिर करना, आपका हमें थोड़ा सा ग्रेन अमाउंट है जो उसको बढ़ाना है। एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, आपको गाइस यहाँ पे फोटो की थोड़ी शार्पनेस इंक्रीज करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा नो रिडक्शन डाल देना है। एंड इसके नीचे आपको थोड़ा सा कलर नो रिडक्शन मिलेगा, आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अच्छे लिखा से मिलता है आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।